हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे इस टीम इस चैनल पर सभी पल्स निवेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट जो आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे थंबनेल पर कि 1 लाख निवेशकों का पैसा मिल चुका है। तो दोस्तों, ये खबर सच है या झूठ है, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है और ये अखबार का जो पेज दिखाया हुआ है, टाइटल बिल्कुल सही है, अखबार बिल्कुल सही है, बताने वाला सही नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि पैसा मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा था? ये जब 2,500 वालों का पैसा दिया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, 2,500 वालों का ये अखबार में आया था कि 1 लाख निवेशकों का पैसा सेबी भेज चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी की फिलहाल की रिफंड प्रक्रिया जो चालू हुई थी 2,500 से ज्यादा वालों की, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई इस न्यूज से उसका संबंध नहीं है। मैं उन सभी निवेशकों को बता देना चाहता हूँ जिनको यह गलत फहमी हो गई होगी कि पीएसईएल ने पैसा बांटना शुरू कर दिया और पहली खेप में 1 लाख लोगों को दे दिया। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सरासर आपके लिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि यह नाइंसाफी होगी। सच बात यही है कि 2,500 वालों के पैसे का ही ये न्यूज है जो अब से 1 साल पुराना हो चुका है। अभी सेवी विभाग की वेबसाइट पर कोई ऐसी नोटिफिकेशन पैसे देने की नहीं आई, जिसको हम बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि अभी तक कोई पैसे देने की प्रक्रिया सेवी विभाग या नोडल कमेटी ने शुरू नहीं की। अलबत्ता ये जरूर है कि आज पोर्टल बंद हुए 15 दिन हो गए, लेकिन किसी तरह की कोई सूचना हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और सेवी विभाग से हमने डायरेक्ट बात की, जो अभी अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था और आपको बात भी सुनाई थी कि किस तरीके से हमने बात की। सेवी विभाग ने अभी कोई पैसे देने की हमें सूचना नहीं दी। ये हमें उन्होंने साफ लफ्जों में बताया कि जब भी कोई सूचना दी जाएगी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि गुमराह होने से कोई फायदा नहीं है, सच्चाई को जानना चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस वक्त पैसा ना मिलने के कारण जितने भी हमारे, जहाँ दोस्तों संगठन, जितने भी हमारे संगठन थे, सब एक बार फिर उग्र हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने तक ये सारे संगठन इंतजार कर रहे थे कि कब ये पोर्टल खत्म हो और हमारा पैसा मिले, लेकिन जैसे ही पोर्टल खत्म हुआ और पैसे अभी तक नहीं दिए गए, तो सभी संगठन फिर से तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला हमारा संगठन एक भारतीय जन लोक सेवा दल का, जो लखनऊ सेवी विभाग के हेड ऑफिस पर जाकर अनिश्चितकालीन का धरना, जी हाँ दोस्तों कभी ना खत्म होने वाला धरना शुरू करेगा। जब तक कि एक निवेशक का पैसा ब्याज सहित ना मिल जाए, तब तक ये धरना वहां से नहीं हटेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ऐलान अमित गर्ग जी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये 22 अगस्त को वहां पर हील बोल देंगे और जैसे ये वहां पर धरने पर बैठेंगे तो समझ लीजिए कि बस आपका पैसा मिलने की डेट बहुत जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि इन्होंने पिछली अपनी सभी धरना प्रदर्शनों से ये दिखा दिया था कि सेबी को जबरन अपनी वेबसाइट पर सभी लोगों के बॉन्ड सबमिट कराने का प्रोसीजर मजबूरन डालना पड़ा था और सभी निवेशकों ने बॉन्ड सबमिट किया या नहीं किया ये तो हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों, ये है कि अगली वीडियो में आपको और अच्छी जानकारी हम देंगे। तो ठीक है दोस्तों, रहिए बाखबर हर बात से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।